हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th का टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आपके चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक टॉपिक है। इससे पहले की वीडियोस भी बनी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी को चेक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्टेप्स विच आर इंक्लूडेड इन डाइजेशन, दैट इज योर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन दैट मीन्स जब हम अपने फूड को इनटेक करते हैं, डाइजेशन उस फूड का कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाना, एब्जॉर्प्शन जब हम उस डाइजेस्टिव फूड से अपना जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और एसिमिलेशन जब हम उस एब्जॉर्ब्ड फूड से अपने अंदर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज इजेशन विच इज थ्रोन आउट ऑफ द वेस्ट फूड। जितना भी हमारे फूड का जो वेस्ट होता है वो सब बाहर थ्रो आउट हो जाता है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। तो हमारे माउथ से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। अब अगर सबसे पहले हम माउथ को देखें तो भाई हमारे माउथ में हमको सिर्फ ना ये सब चीजें ना आप फिजिकली देख सकते हो अपने माउथ के अंदर कि आपके माउथ में पहले क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, और फिर हम उसके बाद जानेंगे कि उनके क्या कुछ फंक्शंस आते हैं। तो अगर हम माउथ के बारे में जाने तो हमारे माउथ के पास होती हैं दो चीजें, ठीक है। एक तो है टीथ एंड सेकेंड है हमारे पास टंग। टीथ और टंग से हमारा माउथ बना हुआ है। टीथ की बात करें तो एक एडल्ट में 32 टीथ होते हैं, जो कि जिनको कि परमानेंट टीथ बोला जाता है, और एक बेबी में जिसको कि मिल्क, जिसमें कि मिल्क टीथ होते हैं, वो हमारे 20 टीथ होते हैं एक बेबी के अंदर, जो कि बाद में धीरे धीरे शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके भी परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं। तो अब ये टीथ हमारे किस काम के हैं? तो टीथ का अगर हम देखें तो टीथ होता है हमारे फूड को क्रश करने के लिए, हमारे फूड को क्रश करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइंस, मोलर्स एंड प्री मोलर्स। पर मैं अभी आपको टीथ की डिटेल यहां पर नहीं बताऊंगी, हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को करते हुए चलेंगे। तो टीथ किस लिए है? हमारे फूड की क्रशिंग के लिए। और हमारे पास टंग है, तो टंग का क्या काम होता है? लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट। हमारी जो टंग है उसका काम क्या होता है? तो हमारी जो टंग है उसका काम होता है हमारे सलाइवा को हमारे फूड के साथ मिक्स कर देना। सलाइवा प्लस फूड को मिक्स करना ताकि हम इस फूड को इजीली स्वेलो कर सकें। बट ये सलाइवा आता कहां से है हमारे पास? क्योंकि हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं सलाइवरी ग्लांस। सलाइवरी ग्लांस विच सिक्रीट सलाइवा, और जिसको कि हम टंग की हेल्प से सलाइवा और फूड की आपस में मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर इस सलाइवा के बारे में भी बात करें तो इस सलाइवा के अंदर भी एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। तो सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्यों है? देखो हर एक चीज का ना रीजन है, तो हम सारे रीजन जानते हुए चल रहे हैं। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है।
किसका, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर्स में। जितना भी हमारे फूड में स्टार्च मिक्सअप होता है, ये उस स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, दे हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में कैसा डाइजेशन हो रहा है, यहां पर केमिकल डाइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सलाइवा क्या सिक्रीट कर रहा है यहां पर, एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। तो दिस इज ऑल अबाउट माउथ, ठीक है। माउथ कंटेन्स टू पार्ट्स, टीथ एंड टंग। टीथ होते हैं हमारे फूड को क्रश करने के लिए, च्यू करने के लिए। टंग हमारे फूड और सलाइवा को मिक्स करती है। एंड मिक्स करने के बाद ये सलाइवा कहां से आया, सलाइवा आया सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि ऑलरेडी हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, एंड दिस सलाइवा ऑल्सो सिक्रीट एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज हमारे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज ईसोफेगस। अभी हमने क्या किया, अभी हमने यहां से माउथ से फूड को स्वेलो किया है। ओके, स्वेलो किसकी हेल्प से हुआ है, जब हमारे फूड के साथ सलाइवा मिक्सअप हुआ है। नाउ लेट्स सी ईसोफेगस सेकेंड पार्ट। ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप। ये देखो, ये एक तरह से पाइप जैसा सिस्टम यहां पर बना हुआ है, तो इसी पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या करता है, ईसोफेगस कैरी फूड टू दी स्टमक। हमारे फूड को कैरी करता है हमारे स्टमक तक, हमारे स्टमक तक पास ऑन करता है हमारा ईसोफेगस। अब देखो ईसोफेगस में क्या चीजें होती हैं, ये कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ पाइप, सिर्फ हमारे फूड के लिए एक पाथ है, ये एक रास्ता है जिसमें से हमारा फूड पास ऑन होता है। लेकिन यहां पर एक इम्पॉर्टेंट जो काम है वो हो रहा होता है, वो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। यहां पर हमारे ईसोफेगस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और इसी मूवमेंट को, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की मूवमेंट होती है, इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि हमारे ईसोफेगस में होती है। अब देखो ये किस तरह की होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमारा फूड यहां से हमारे माउथ से नीचे की तरफ स्वेल हुआ, हमने यहां तक लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन, बाकी सारा रिलैक्स है। जैसे जैसे ये फूड नीचे पास ऑन होगा, तो हमारे यहां के जो ईसोफेगस की मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और ये जो ऊपर वाली हमारी मसल्स थी, ये फिर से रिलैक्स हो जाएंगी। फिर हमारा जो फूड है वो नीचे पास ऑन होगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, और ये वाली हमारी मसल्स फिर से रिलैक्स हो जाएंगी। सो दिस इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स को एक नाम दिया गया है, विच इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मूवमेंट का नाम 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। अब यहां से क्या हुआ, यहां से हमारा फूड पास ऑन हो जाता है हमारे स्टमक में। तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज कॉल्ड एज स्टमक। नाउ लेट्स सी स्टमक क्या होता है। अब स्टमक का अगर आप डायग्राम नॉर्मली वहां पर देख रहे हैं, तो स्टमक
एक जे शेप्ड ऑर्गन है, स्टमक कैसा जे शेप्ड ऑर्गन, देखो इट्स ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है ना, तो इसीलिए इसको जे शेप्ड ऑर्गन बोला जाता है। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन और कहां पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ही वाला पार्ट हमारा एब्डोमेन का होता है, तो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में हमारा जो स्टमक है वो प्रेजेंट होता है। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, द फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक, और यहां पर चलती है हमारे फूड की चर्निंग, ठीक है। यहां पर जो हमारा फूड है अराउंड 3 to 4 hours रहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस टाइम पर क्या होता है, सो ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इन टू स्मॉलर पीसेस, बहुत ही स्मॉलर पीसेस में जो हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, एक सॉल्युबल सा पेस्ट बन जाता है, और यू कैन से एक सेमी सॉलिड पेस्ट हमारे फूड का बन जाता है। लाइक जैसे आप लोगों ने क्या किया, आपने एक छोटे से बाउल में आप एक स्पून आटा डालो और आटा डालने के बाद उसमें 2 स्पून पानी डाल दो और उसको मिक्स करो, तो एक आपको पेस्ट सा मिल जाता है, सेमी सॉलिड सा पेस्ट, तो यहां पर भी हमारा कुछ ऐसा ही फूड हो जाता है। तो कैसा होता है हमारा यहाँ पर फूड, सेमी सॉलिड पेस्ट इसका बन जाता है। नाउ द मेन थिंग इन स्टमक इज कि स्टमक के पास होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, हमारे जो स्टमक की वॉल है, ओके, जो हमारे स्टमक की वॉल है यहां पर प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, गैस्ट्रिक जूस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप चाहो तो इस तरह से अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हो और साथ के साथ आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखिएगा। अब देखो क्या होगा कि जो स्टमक है हमारे, स्टमक की वॉल पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, हर एक चीज का अपना ही फंक्शन है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस को। नाउ लेट्स सी ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है अब, ओके, गैस्ट्रिक जूस, सी जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस, इट कंटेन्स 3 substances, इसके पास 3 substances हैं, 3। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसके पास है HCl विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो यहां पर एसिड भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड बात करते हैं तो सेकेंड इसके पास क्या है, इसके पास है पेप्सिन विच इज एन एंजाइम, PEPSIN, पेप्सिन एंजाइम। और थर्ड, मैंने 3 की बात की थी, तो थर्ड इसके पास प्रेजेंट होता है म्यूकस। अभी मैं आपको तीनों के ही बहुत अच्छे से फंक्शंस बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि म्यूकस भी क्या होता है, अदरवाइज बच्चे कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई म्यूकस क्या है। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एंजाइम्स की, तो एंजाइम क्यों हमारे स्टमक में प्रेजेंट है और क्यों हमारे स्टमक में भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, ऐसा क्या रीजन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या इवन चलो सबसे पहले हम पेप्सिन के बारे में बात करते हैं, पेप्सिन देखो, पेप्सिन एक तरीके का एंजाइम है, दैट मींस ये एंजाइम कुछ ना कुछ डाइजेशन के लिए है, तो
तो ये डाइजेशन होता है यहाँ पर प्रोटीन्स का। टॉक्सिन किस लिए है? टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स विच प्रेजेंट इन आर फूड। हमारे फूड में जो प्रोटीन होता है उसके ब्रेक डाउन के लिए, उसके डाइजेशन के लिए स्टमक में पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब HCL, तो HCL का क्या काम है? HCL क्या करता है कि हमारे फूड में ना बहुत सारे बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं बैक्टीरियाज को किल करने के लिए हमें एसिड की जरूरत होती है, और वो एसिड है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये जितने भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनको किल करता है। और कभी कभी जब इसी HCL का अमाउंट, यानी कि जब हमारा गैस्ट्रिक जूस हाई अमाउंट में HCL को सिक्रीट करने लग जाती है तो इट लीड्स टू एसिडिटी। आप लोगों को एसिडिटी हो जाती है ना, तो वो कब होगी? जब HCL इंक्रीज हो जाता है हमारे स्टमक में। और ये एसिड है तो आप लोगों ने रिएक्शंस भी देखी होंगी कि जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वो हमारी रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो वो यही रीजन है कि जैसे ही हमें एसिडिटी होती है, जो गैस बनती है और हम उसके ऊपर इनो ले लेते हैं, इनो इज अ बेस, तो जैसे ही हम एसिड के साथ बेस को मिक्स करते हैं, इनो लेते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज कर देती है उस रिएक्शन को, और जो हमारी एसिडिटी है वो खत्म हो जाती है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज म्यूकस। अब देखो म्यूकस क्या होता है। म्यूकस एक तरीके से ना लिक्विड ही है, लेकिन लिक्विड बहुत ही थिक होता है ये लिक्विड। और म्यूकस का क्या काम है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, इसका काम है प्रोटेक्ट करना। तो जैसे ही HCL का अमाउंट भी ज्यादा होता है तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हमारी जो इनर लाइनिंग है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, म्यूकस क्या करता है, हमारी इनर लाइनिंग को, स्टमक की इनर लाइनिंग को HCL से प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे सारे फंक्शंस हैं जो कि स्टमक में हो रही होती हैं। अब देखो स्टमक और ईसोफेगस, ये हमारा आया ईसोफेगस और यहां पर है हमारा स्टमक। तो स्टमक और ईसोफेगस के यहां पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। यहां पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर मसल। ये स्फिंक्टर मसल क्या करता है कि जो हमारा फूड ईसोफेगस से हमारे स्टमक में जा रहा है, ये उसको एक तरीके से रेगुलेट करता है। और सेम एज इट इज यही स्फिंक्टर मसल हमारे स्टमक से अब हमारा फूड पास ऑन होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की भी यहां पर एक और स्फिंक्टर मसल हमारी लगी हुई होती है। सो इट जस्ट रेगुलेट द फूड जो कि एग्जिट होगा हमारे स्टमक से और एंट्री लेता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो हमारे यहां पर स्टमक में आपने ध्यान दिया हो तो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें हमारे फूड का होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल से भी बोलते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स विद एनस। तो इसमें जितने भी पार्ट्स हमारे इंक्लूड हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज अबाउट
6.5 मीटर लॉन्ग। तो लार्ज इंटेस्टाइन है ये बाहर, उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कुछ कॉइलिंग हो रखी है। तो ये कॉइल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दो सिक्रीशंस आते हैं फ्रॉम अलग अलग ऑर्गन्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स से हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ सिक्रीशंस आते हैं। वो सिक्रीशंस किस किस से आते हैं, लिवर से और पेनक्रियाज से। तो अब देखो लिवर का क्या काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। लिवर सिक्रीट बाइल जूस, दिस बाइल जूस इज ग्रीनिश येलो लिक्विड विच इज मेड इन लिवर। एक ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, बट लिवर क्या करता है, लिवर सिर्फ इसको ना सिक्रीट करता है, इसको स्टोर नहीं कर पाता। स्टोर का क्यों मैं बोल रही हूं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना हम हमेशा ही खाना पूरा 24 आवर खाना खाते रहते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी वर्क करती रहती है। तो जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन को करती है, सिर्फ उसको उसी वक्त ये बाइल जूस चाहिए अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए जो लिवर है वो बाइल जूस बना तो देता है लेकिन उसको स्टोर नहीं कर पाता। तो स्टोर वो करता है गॉल ब्लैडर के अंदर। आई एम राइटिंग जी बी, गॉल ब्लैडर। तो ये जो गॉल ब्लैडर है जो कि जस्ट हमारे लिवर के साथ ही अटैच होता है, तो वहां से लिवर अपना सिक्रीशन गॉल ब्लैडर में भेजता है। और देखो गॉल ब्लैडर हमारा कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, वहां से गॉल ब्लैडर स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना सिक्रीशन भेज देता है। अब बाइल क्या है, बाइल एक एल्केलाइन है, इट कंटेन्स सॉल्ट, ठीक है। बाइल क्या है, एल्केलाइन इन नेचर और इट कंटेन्स सॉल्ट्स, इसमें सॉल्ट भी मिक्सअप होता है। तो इसका क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स टू इमल्सिफाई और ब्रेक द फैट विच इज प्रेजेंट इन द फूड। तो हमारे फूड में जो फैट प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए होता है, और दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन की टर्म्स डिफाइन द टर्म में भी पूछ लिया जाता है। तो इमल्सिफिकेशन क्या है, बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन दी फैट ग्लोब्यूल्स इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। तो एक तरीके से वो हमारे फैट को इमल्सिफाई करता है और वहीं से ये टर्म आई है इमल्सिफिकेशन। सो दिस इज अबाउट लिवर, कि लिवर ने बाइल जूस सिक्रेट किया, गॉल ब्लैडर ने उसको स्टोर किया और हमारे फैट्स को इमल्सिफाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज क्या करती हैं, पेनक्रियाज सिक्रेट पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज सिक्रेट पेनक्रिएटिक जूस। अब ये पेनक्रिएटिक जूस क्या है, तो ये पेनक्रिएटिक जूस हमारे पास आते हैं अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। बहुत इंपॉर्टेंट है अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब देखो ये किस किस को ब्रेक डाउन करते हैं, जो हमारा अमाइलेज है, अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ए सी, ए सी तो याद रहते हैं ना, तो अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट। देन वी हैव ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। हमने प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक में भी देखा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीट डाइजेशन क्योंकि हमारे स्टमक में नहीं हो पाता है तो प्रोटीन्स हमारा रह जाता है, तो वो प्रोटीन का डाइजेशन फिर ट्रिप्सिन करता है। और ट्रिप्सिन के बाद है हमारा लाइपेज विच अगेन डाइजेस्ट सम
फैट्स, जो फैट्स यहां पर नहीं हो पाते इमल्सिफाई, वो फिर यहां से कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुके होते हैं। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास दो जगह से सिक्रेशन आता है, लिवर एंड पेनक्रियास से। पेनक्रियास सिक्रेट करता है पेनक्रिएटिक जूस, और यही पेनक्रिएटिक जूस कुछ एंजाइम्स इसमें होती हैं। वो एंजाइम्स हैं हमारे अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स, एंड लाइपेज हमारा डाइजेस्ट करता है फैट्स को। अब और कुछ चीजें देखते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी कॉइल रहती है। ओके, ये कुछ इस तरह से कॉइल्ड है। कॉइल्ड के बाद अगर हम देखें तो इसमें प्रेजेंट होती है विलाई। ओके, यहां पर इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज विलाई। ओके, तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है, वहां पर बहुत सारे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, विच आर कॉल्ड एज विलाई। अब ये विलाई यहां पर क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हमारे फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है, ये उसको इंक्रीज कर देती है। और विलाई में क्या होता है? दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक्स द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, ये कुछ इंटेस्टिनल जूसेस भी सिक्रीट करती है, इंटेस्टिनल जूसेस। और ये इंटेस्टिनल जूसेस क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स को, जो हमारे फूड में प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोस में कन्वर्ट करते हैं, और हमारे फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस इंटेस्टिनल जूस का क्या काम है? प्रोटीन्स को कन्वर्ट करना अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करना ग्लूकोस में, और फैट्स को कन्वर्ट करना फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, और यू कैन सी द लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर बाहर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था कि हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, और इस कंप्लीट डाइजेशन के बाद क्या होगा कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पास ऑन होता है, जहां पर जो हमारे, जो मान लो वाटर है अगर हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में, या कुछ सॉल्ट्स बाकी रह गए हैं हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा, वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारा पास हो जाता है रेक्टम तक। और जब भी हमें जरूरत होती है वॉशरूम जाने की, तो रेक्टम से फिर हम अपने एनस से उसको बाहर थ्रो आउट कर देते हैं। दैट इज द अनडाइजेस्टेड फूड, एंड दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। इवन यहां पर एनस पर भी ना एक एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ये भी सिर्फ रेगुलेट करता है हमारे वेस्ट मटेरियल की एग्जिट को। तो यहां पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि रेक्टम और एनस के बीच में प्रेजेंट होता है। वो स्फिंक्टर क्या करता है? वो स्फिंक्टर रेगुलेट करता है हमारे वेस्ट मटेरियल की एग्जिट को। तो दिस इज ऑल अबाउट large intestine, or you can say human digestive system. I hope you will like this video. Do subscribe this channel, do share this video with your friends and your relatives.
और अगर आपको कोई भी डाउट है डाइजेस्टिव सिस्टम में तो आप मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं अपना कोई भी क्वेश्चन, मैं आपके लिए हमेशा फ्री हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।